孙悟空。राइट, तो कैसे हो मेरे सही दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा सबको पता आया कि यार ट्रंक्स वाला इवेंट है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार वो बता दो कैसे करना है, 500 सीसी वहाँ से मिलने वाला है यार सबको। तो ये जब तक इसको आप 14 स्टार नहीं करते हो तब तक ये आपको 500 सीसी नहीं मिलते हैं। बाकी जो मिशन थे वो कुछ ऐसा था कि रैंक ग्रिंड करना, रैंक 5 तक करना, तो वो आप जाके इवेंट और अपग्रेड सेक्शन से भी कर सकते हो। और ये बाकी इसको आपको यहाँ से डेली जी वाला करते रहना है, और इसमें सबको आप फुल में फुल स्टार कर लो, सारे मिशन में कंप्लीट कर लो, और डेली जाकर यहाँ पर ये रोज एक एनर्जी के बदले आप 100 इसके जी पावर कलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका जो 14 स्टार नहीं होगा। तो आपको मेक श्योर डैट कि इसको आप रोज करो, जब तक इवेंट है आपको रोज डेली एक्सचेंज करो इसके 100 जी पावर, और उसके बाद आपका ये फुल पावर बैटल आ चुका है जहाँ गोहान है। और अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो जैसा देख सकते हो कि कौन कौन से बूस्टेड करेक्टर आपको सामने दिख रहे हैं। कि इवेंचुअली भाई जो 17-18 नए LF वो तो है ही, ये वाली एंड्रॉयड भी है, फिर ये इसका जिनका ही आने वाला है इसका भी है, फिर एप जीटा है, और ये जो ट्रंक्स और गोहान है डुओ यूनिट ये भी है, और ये ग्रीन वाला गोकू है, नया वाला जो अभी ट्रंक्स फ्री वाला जो अभी चल ही रहा है ये भी है, और भाई ये यार्ड्रेट वाला गोकू भी है। तो इसकी आपको टीम बनानी है, जैसे कि सामने देख रहे हो कि मैंने टीम बना ली है। तो ये मैंने तो बूस्टेड करेक्टर से यूज़ किया है, और लेट्स सी क्या होता है बूस्टेड करेक्टर के साथ, कितना ईजी है। सो बूस्टेड करेक्टर इस बार मुझे मिला था, लास्ट टाइम मैंने बिना बूस्टेड करेक्टर साथ किया था, तो इस बार देखते हैं बूस्टेड करेक्टर साथ कितना इजी है और कितना जल्दी ख़त्म होता है ये मैच। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि यार बिना बूस्टेड के साथ बनाओ, तो देखो बिना बूस्टेड के साथ वही है कि एंड्रॉयड या ट्रंक्स को यूज़ करो, गोहान वाले फिर एंड्रॉयड रेड वाले को, या फिर जो फ्यूजन इसको मिल जाएगा जिनका ही, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हो कि बहुत ही यहाँ पर आराम से इसको पहले मार सकते हैं, यहाँ पर जितनी बार टैग करेंगे 30% डैमेज मतलब टैग का वो भी मिलते जाएगा, स्टैक होते जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी इजी तरीके से मतलब हम यहाँ पर हीलिंग भी कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, गोहान को मारते हुए उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर फिर से स्विच बैक करेंगे, और ब्लू कार्ड और कार्ड ड्रॉ स्पीड लगातार, कार्ड ड्रॉ स्पीड तो मतलब 1-2-3 होती जाएगी, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 5 सेकेंड के अंदर ये आराम से अपने आप को टैग कर लेगा। ओके, तो एक कार्ड हमारा ड्रॉ हो गया, वो ब्लास्ट वाला ऑल रश आउट, और यहाँ मैं थोड़ा भूल ही गया था कि यहाँ पर इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना होता है, तो अब नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखूँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ब्लास्ट कार्ड आ गया, तो आई थिंक देखते हैं ब्लास्ट कार्ड अभी तरह आरा को बचा कर रखते हैं, और पहले ऑल आउट रश जाते हैं, और एक वहाँ वो स्ट्राइक वाला भी ड्रॉ हो गया है, तो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर जितनी जल्दी 3 सेकंड में टाइप करना तो टाइप कर सकते हैं, देखते कितना टाइप कर सकते हैं हम। ओके, 27 इज़ वेरी गुड, परफेक्ट हो गया, और आई थिंक ये बिना उसके ही मार देगा आई थिंक रश के, लेट्स सी। अरे वो एक नया कार्ड ड्रॉ कर लेता तो सीन हो गया, पीछे वाला कार्ड चला गया। एक मिनट, अभी भी 8 सेकेंड है, देखते हैं ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। ओके, तो आई थिंक ये 13 ने अपना मेन चला दिया इसके ऊपर, तो आई थिंक आराम से इसको ब्रेक कर देगा, लेट्स सी। ओके, तो आई थिंक ब्रेक हो गया, तो हम RR मार देते हैं, ख़त्म। मतलब अगर आपका एक बार में वो हो जाता है तो फिर आप RR मार दो बस, ये RR से मतलब फिनिश हो जाएगा वैसे ही। तो आई थिंक ये 12 HP बार कुछ नहीं है, मतलब RR में आराम से ये ख़त्म कर देंगे। देखो 5 तो ऐसे चला गया। ओके, उसके बाद इसको 100% का बूस्ट भी मिला हुआ है इसके ब्लू कार्ड पे, तो ये ख़त्म कर देगा ऐसे ही, और ये ख़त्म हो गया। मतलब कितना इजी है बूस्ट करेक्टर के साथ खेलना, आराम से हो गया, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ा, मतलब क्या ही था, बहुत ही ईजी है। ले चलो नेक्स्ट डिफिकल्टी पे चलते हैं, मीडियम वाले, तो ये तो नॉर्मल भी था, चलो तो मीडियम वाला कैसा होता है थोड़ा सा वो उसका भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार नए हो तो प्लीज़ यार 2 लाइक एंड सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो सेकेंड वाला आप हम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेकेंड वाला कितना ईजी होता है या फिर मतलब नॉर्मल वाले से हार्ड होता है, क्योंकि नॉर्मल वाला तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, ऐसे ही कंप्लीट हो गया, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ओके, तो यहाँ पर आराम से बस कॉम्बो करते हैं हम, लेट्स सी। तो पहले जितना डैमेज कर सकते हो उतना डैमेज करेंगे हम। ओके, यहाँ पर फिर जाएंगे, यहाँ पर टैग कर लेते हैं, क्योंकि जितनी टैग करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। ओके, कार्ड ड्रॉ की स्पीड बनी रहेगी और बफ भी स्टैक होते रहेंगे। तो यहाँ पर फटाफट टैग हो गया, कार्ड मिलते जा रहे हैं, कार्ड ड्रॉ 2 चली रही है आई थिंक। ओके, फिर से 17 में टैग हो जाएगा इस कार्ड के बाद, बहुत ही ईजी है, फिर टैग कर लेते हैं और फिर से 17 आ जाएगा। ओके, नाइस, तो अभी तक एक भी कार्ड नहीं आया, ऑल आउट रश का भी आ जाना चाहिए, रश तो हो ही गया है, ऑल आउट रश
लेट्स सी। ओके, तो हमें और एम पे भूल गया था, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड और फिर फॉरवर्ड। ओके, ऐसे सीन था। ओके, तो यहाँ पर अब हमें ऑल आउट रश जाना होता है क्योंकि ऑल आउट रश से ईजी हम ब्रेक कर देंगे। तो लेट गो फॉर ऑल आउट रश, लेट सी। ओके, ओनली ऑल आउट रश। ओके, ऑल आउट रश कर देते हैं। ओके, ईजी तरीके से यहाँ पर टैप जैसे छोटा हुआ टैप कर दो, रेड होते टैप कर दो। आई थिंक ये ब्रेक हो गया, ये तो ऐसे ही ब्रेक हो गया। तो फिर से हम रश कर देंगे इसके बाद, लेट्स सी, रश। आई थिंक ख़त्म। तो ये तो नॉर्मल वाले की तरह ये भी था, इजी तरीका से था, आराम से इसको मतलब एरो को साइन बना लेंगे और जहाँ पर एरो नहीं उसको क्लिक नहीं करना होता है, और जी हो गया और आई थिंक ये ख़त्म। तो यार नॉर्मल वाले की तरह मीडियम वाला भी था और ख़त्म हो गया। लेट्स सी हार्ड वाला कितना हार्ड होता है, या इसी तरह वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बूस्ट करेक्टर के साथ खेलना बहुत ही ईजी है, आई गेस बहुत ही ईजी। लेट्स जंप इनटू हार्ड वन, देखते हैं हार्ड वन कितना कितना टफ होता है। ओके, तो ये हार्ड वन वन स्टार्ट हो गया यहाँ से। और मैं बताऊँ कि हार्ड वन वाला में मैं पहला एस, मुझे दो ट्राई लगे, पहले ट्राई में नहीं हुआ क्योंकि मैंने आरआर किया तो बंदे ने मेरे को स्विच बैक मतलब मेरे को कवर चेंज दे दिया, तो आरआर वेस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बार में ही हो जाएगा, जिसका मतलब ये है इसके पास बूस्टेड करेक्टर है। तो यहाँ पर देखो बस वही मतलब जैसे नॉर्मल वाला खेला जो मीडियम वाला था उसी तरह हार्ड वाला भी है, बहुत ही ईजी है बूस्ट करेक्टर खेलना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हो जाता है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। अभी देखो बस जैसे कि बस आपको बस एक आर आर इसमें आर आर है ना, उसको आपको ब्रेक शील्ड ब्रेक करने के लिए यूज़ नहीं करनी है, ठीक है ना, ब्रेक नहीं करना शील्ड। आपको जो ऑल आउट रश वाले कार्ड मिलेंगे बस उसको यूज़ करो और शील्ड ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो मैं 18 में गया, अभी भी कार्ड नहीं है, कार्ड ड्रॉ की स्पीड चल रही है। ओके, फिर से 17 में 18 में जंप करता हूँ मैं। ओके, बहुत ही इजी है क्योंकि, ओके यहाँ पर कार्ड भी आ गया, आप देख ही रहो बहुत ही इजी तरीके से आ गया कार्ड। और यहाँ पर जाना है हमको यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, टैग कर दिया मैंने 18 में। ओके, अभी बचा के रखना है क्योंकि अभी हमारा ऑन है और एक स्ट्राइक भी ड्रॉ हो गया, तो मुझे लग रहा है कि रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर बैक डैश करना होता है, फिर फॉरवर्ड करना होता है, और यहाँ पर ऑल आउट रश काट जाएंगे हम सीधे सीधे, सब अपने मेन एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, सब ने कर लिए एक साथ। ओके, तो पहले मैं जाऊँगा ब्लास्ट। ओके, वो ब्लास्ट के बाद इसको चलिए टैप करेंगे, परफेक्ट करेंगे इसको, बहुत ही इजी है मतलब तो हद से ज़्यादा इजी हो गया ये तो। ओके, 727 फिर से और ये ख़त्म। फिर उसके बाद स्ट्राइक वाला कर रहे हैं, स्ट्राइक वाले के लिए भी बहुत कम ज़रूरत है, ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टैप ही नहीं कर पाया। ओके, परफेक्ट, ठीक से नहीं हुआ, परफेक्ट। ओके, सक्सेस ही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से हो गया। और आई थिंक यहाँ से फिर मैं जाऊँगा ब्लू कार्ड, आई थिंक फिर से इसने ये लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि कवर चेंज में दिक्कत हो गई थी, और इसके बाद यहाँ पर ये रश। आई थिंक 25 हेल्थ बार है, देखो 25 हेल्थ बार है यहाँ पर, बस करना कुछ नहीं है, 25 हेल्थ बार, ये 17 18 ऐसे ही मेल्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर गए 20 17 18। ओके, अब ये ब्लू कार्ड डैमेज देखो, ये ब्लू कार्ड डैमेज, ये भाई यार बूस्ट करेक्टर के साथ खेलना कितना ईजी होता है आप देख ही लियो, कोई मेहनत नहीं करनी होती है, कोई भी कुछ नहीं करना होता है। और अगर आप बूस्ट करेक्टर आपके पास नहीं है तो देखो आप जो रेड वाले 18 है उसके साथ खेल सकते हो, पर जो नए बंदे हैं तो मेरे ख्याल से रुक जाओ फ्यूजन वाले करेक्टर के लिए, शायद उसमें हो जाएगा, या आपको ट्रंक्स या गुहान मिल गए हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर ये हो गया 13 स्टार, आई थिंक 14 नहीं होगा क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डेलीज से करके आपको करना पड़ेगा, 100 वहाँ एक्सचेंज करके डेलीज करना है आपको, तो जाके आपको ये 14 स्टार हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइज, अगर आपको 500 सीसी चाहिए होंगे तो वहाँ से आप डेली जरूर करना। एक मिनट देख लेता हूँ कितनी जी पावर मुझे चाहिए, कितने दिन 500 सीसी मुझे मिलेंगे। ओके, 700 और चाहिए होंगे तो मतलब 7 दिन के बाद मुझे ये 14 होगा और 500 सीसी मुझे मिल जाएंगे। तो ये इवेंट में आपको जाना है, और इवेंट में जाके जो ये सेक्शन जैसे मैंने बताया था यहाँ जाके डेलीज करना मत भूलना, अपना 100 जी पावर यहाँ से लेते रहना। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यार, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।